वॉल्टर अपनी शादी से खुश नहीं था। तभी सिटी में और एक आदमी की वाइफ का मर्डर हो जाता है। अब वॉल्टर को लग रहा था कि उस आदमी ने अपनी वाइफ को मार डाला होगा। इस बात से वो ऑब्सेस्ड हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अ काइंड ऑफ मर्डर 2016 के एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका सस्पेंस हमेशा आपको आपकी सीट के एज पर रखेगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम मार्टी को देखते हैं। वो आज बहुत ही सस्पिशियस था। वो मूवी देखने के लिए गया था पर अचानक से मूवी के बीच में से उठकर चला जाता है। अपने साथ वो उसके टीनेज कोवर्कर को भी लेकर गया था जो उसकी गवाही दे सके। मूवी के बीच में उठकर चला जाता है और बाद में फिर से मूवी देखने के लिए आ गया। इसके बाद हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं। इसका नाम है वॉल्टर। अपना काम खत्म कर अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आया। उसकी वाइफ का नाम है क्लारा और क्लारा की मदर की तबीयत जरा खराब थी, जो हमेशा खराब ही रहती थी। वॉल्टर आज बहुत ही एक्साइटेड था। वो कहता है मेरी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। वो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करता है। क्लारा को उसका इस तरीके से राइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। वॉल्टर की एक्साइटमेंट देखकर उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। वॉल्टर चाहता था कि वही अपनी कार में क्लारा को उसके मदर के यहाँ छोड़ दे, पर क्लारा कहती है कि मेरा मूड नहीं है। जब इनकी शादी हुई थी तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया करते थे, इस तरीके से ट्रिप लेते थे और अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखते थे। पर अब ये सब नहीं होता। वॉल्टर उन दिनों को मिस करता है। वॉल्टर को बुरा लगा और घर आकर अपनी न्यू स्टोरी पर काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्टी की वाइफ की डेथ हो चुकी है। इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने का काम ये लॉरेंस का था। लॉरेंस एक खतरनाक डिटेक्टिव है। एक चीज को अगर वो पकड़ ले तो जल्दी से जाने नहीं दे सकता। क्लारा जब अपने मदर के यहाँ से वापस आए तो वॉल्टर और उसके घर पर एक पार्टी थी। क्लारा के हाउस में गेस्ट का आना ये भी उसे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है। वॉल्टर हमेशा सारी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करता रहता है। आज इस पार्टी में वॉल्टर की एक फ्रेंड उसके साथ अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी। इसका नाम था एली। इन दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ और एक दूसरे से बात करने लग गए। ये बात क्लारा को अच्छी नहीं लगती। एली ने वॉल्टर से पूछा कि तुम करते क्या हो। वॉल्टर ने कहा कि मैं आर्किटेक्ट हूँ पर मुझे राइट करना अच्छा लगता है। वो गेस करता है कि एली भी क्रिएटिव है, शायद वो सिंगिंग करती है, और ये गेस राइट था। ये दोनों और बात करते तभी वॉल्टर का फ्रेंड इन्हें इंटरप्ट कर देता है। रात में क्लारा ने वॉल्टर को एली के बारे में पूछा। उसे उस पर शक होने लग गया था। वॉल्टर इस बात को उसे जाने देने के लिए कहता है। वो आज उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था पर क्लारा ने इसके लिए उसे मना कर दिया। वॉल्टर उसे पूछता है कि आजकल तुम्हारा मूड ऐसा क्यों होता है। इन दोनों में कोई भी फिजिकल रिलेशन हुए बहुत दिन हो गए थे। वॉल्टर फिर से निराश होकर अपनी स्टोरी लिखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया हुआ था। लॉरेंस का पूरा शक मार्टी पर है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला होगा। वो उसे कहकर जाता है कि किलर कितना भी स्मार्ट हो, मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अगली रात वॉल्टर जब काम कर घर पर आया तो क्लारा अब भी उस पर गुस्सा थी। कहती है तुम एली के साथ ही क्यों ना टाइम स्पेंड करते, तुम्हें तो वही अच्छी लगती है। अब वॉल्टर को गुस्सा आ गया था। वो फिर से उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था तो गुस्से में वहां से निकल गया। नेक्स्ट सीन में लॉरेंस को मार्टी की वाइफ की डेथ की केस के बारे में पूछा जाता है। लॉरेंस ने कहा कि मैं मार्टी को पकड़ लेता पर उसके साथ उस रात उसका काम करने वाला था। उसने गवाही दी है कि मर्डर के वक्त मार्टी उसके साथ था, इसी वजह से वो बच गया है। जिसने मार्टी के लिए गवाही दी थी उसी के साथ काम करने वाला एक टीनेजर था, उसका नाम था टोनी। एक दिन जब लॉरेंस टोनी से पूछताछ कर रहा था तो मार्टी देख लेता है। मार्टी टोनी के पास आया, कहता है जो आंसर तुम पहले देते आ रहे हो वही हमेशा तुम्हें कंटिन्यू रखना है, सच उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन वॉल्टर फिर से जब काम पर आया तो क्लारा फिर से उसके साथ झगड़ रही थी। वो कहती कि तुम्हें और एली को पार्टी में सब लोगों ने देखा था। वॉल्टर फिर से उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम्हें हो क्या गया है, हमारा मैरिज सिर्फ एक साल तक ही अच्छा रहा, इसके बाद तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो, तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वॉल्टर ने बहुत बार सजेस्ट किया था पर क्लारा किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए मना कर रही थी। इस बार वो उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई, गुस्से में अपने रूम में चली गई। वॉल्टर गुस्से में कहता है तुम अब घर में अकेली रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बार में आकर न्यूज़पेपर में मार्टी की वाइफ की डेथ के बारे में पढ़ रहा था। इस स्टोरी को उसने फॉलो किया है, उसे लगता है कि मार्टी ने उसकी वाइफ को मार डाला। ड्रिंक करके जब वो घर पर वापस आया तो क्लारा ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था। घर की सारी गोलियां उसने खा ली थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें उसे साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने फ्रेंड को बताता है। कहता है मुझे एक मोमेंट पर लग रहा था कि वो सचमुच में मर जानी चाहिए। अब क्लारा जब हॉस्पिटल में है तो वॉल्टर जब अकेला था तो उसे मिलने के लिए एली आई। वो उसके लिए कुछ फूल लेकर आती है।
उसने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी वाइफ सैटरडेज पर काम करती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई। वो आज रात एक जगह पर परफॉर्म करने वाली थी तो वॉल्टर को भी इन्वाइट कर लेती है। रात में वॉल्टर जरा कन्फ्यूज हुआ पर बाद में उसके पास चला जाता है। उसका सॉन्ग सुनने के बाद उसे बहुत अच्छी लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लारा की तबीयत अब ठीक थी, उसे वो घर पर लेकर आता है। क्लारा उसे कहती है, मुझे प्रॉमिस करो कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। घर में उसने एली ने दिए हुए फूल को नोटिस किया। वॉल्टर से पूछने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा होगी। वो उससे कहती है कि तुम एडमिट करो कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। वॉल्टर कहता है, तुम्हारा मेरे पर ये शक करना अब बंद होना चाहिए। वहां से चला गया। वो जब फिर से न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसे लगा उसे जाकर मार्टी से मिलकर आना चाहिए। एक किलर कैसा होता है इस बारे में उसे क्यूरियोसिटी थी। मार्टी बुक सेल करता था तो वॉल्टर जाकर उसे एक बुक के बारे में पूछता है। बातों बातों में उसने उससे पूछा, तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई थी, क्या उसका किलर अब तक उन्हें मिल पाया? मार्टी इस बात पर जरा गुस्सा हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। आज रात जब वॉल्टर घर पर आया तो क्लारा कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से फॉलो किया था, तुम एली के पास गए थे। वॉल्टर ने फिर से कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, पर अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसे कहता है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ इस तरीके से नहीं जी सकता। क्लारा ने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरी डेथ की जिम्मेदार तुम हो गए। अगले दिन वॉल्टर जब घर पर आया तो क्लारा घर पर नहीं थी। अपनी मेड से वो पूछता है तो उसे पता चला कि क्लारा की मदर की तबीयत जरा खराब है, उसे देखने के लिए वो गई हुई है। वो जल्दी से बस स्टॉप पर क्लारा के पास पहुंचा। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्लारा कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इजी कर दिया है, और दो दिन तुम एली के साथ बिता सकते हो। वो बस में चढ़ गए। वॉल्टर को उससे बात करनी थी तो बस का पीछा करता है। एक होटल पर बस के रुकने के बाद वॉल्टर क्लारा को ढूंढने की कोशिश करता है पर कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। सुबह जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी मेड कहती थी कि क्लारा की मदर की डेथ हो चुकी है। वो क्लारा को तुरंत कॉल करना चाहता था पर क्लारा उसके मदर के यहाँ पहुंची ही नहीं। हमें डायरेक्टली क्लारा की डेड बॉडी दिखाई जाती है। एक बड़े से ब्रिज से नीचे गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। वॉल्टर को बहुत बुरा लगा। इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला डिटेक्टिव ये लॉरेंस ही था। लॉरेंस वॉल्टर से पूछता है कि क्या क्लारा ने सुसाइड की होगी। वॉल्टर कहता है कि उसने प्रीवियसली सुसाइड का ट्राई किया था तो शायद ये भी हो सकता है। लॉरेंस पूछता है कि उस रात हुआ क्या था। वॉल्टर ने कहा कि मैं क्लारा से मिलने के लिए गया था, वो जब अपनी मदर के पास चली गई तो मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया। हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वॉल्टर उस रात एली से मिलने के लिए गया हुआ था। उस रात उसके साथ इंटीमेट हो गया, इसका मतलब है हमेशा से एली के साथ उसका चक्कर चल रहा था। वॉल्टर आकर एली को बता देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पुलिस को बताया हुआ है। एली को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया हुआ था। वो कहता है, जिस तरीके से तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई थी उसी तरीके से क्लारा की भी डेथ हुई है। मैं इस बात को इग्नोर कर देता पर जब भी वाइफ की डेथ होती है तो बहुत बार इसके पीछे हस्बैंड नहीं होते हैं। तुम्हारे साथ काम करने वाले टोनी से भी मैं आजकल बात कर रहा हूँ, देखते आगे क्या होता है। लॉरेंस की इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से मार्टी जरा डिस्टर्ब हो गया था। अगले सीन में क्लारा के फ्यूनरल हुआ। वॉल्टर अपने फ्रेंड के साथ था। उसे कहता है, कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसे मार डालो। उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। मार्टिन का फ्रेंड कहता है कि लगने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है, ज्यादा वरी मत करो। क्लारा की डेथ के बाद वॉल्टर के यहाँ पर काम करने वाली मेड भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसे लगता था क्लारा के मर्डर के पीछे वॉल्टर ही है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर को लॉरेंस पुलिस स्टेशन बुलाता है। वहां पर उसने एक आदमी को लाया था जो वॉल्टर को पहचान लेता है। उस आदमी के जाने के बाद लॉरेंस ने वॉल्टर से कहा कि ये आदमी बता रहा था कि उस रात होटल पर तुम क्लारा को ढूंढ रहे थे, तुमने मुझे उस रात के बारे में झूठ कहा, क्लारा से मिलने के बाद तुम डायरेक्टली घर नहीं गए थे, तुम उसका पीछा कर रहे थे। वॉल्टर इस बात को मान लेता है, कहता है, हम दोनों कुछ बात कर रहे थे, उसी को फिनिश करने की मैं कोशिश कर रहा था, मैं जब होटल पर पहुंचा तो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाया, मुझे लगा कि शायद वो टैक्सी कर आगे चली गई होगी तो मैंने फिर उसे नहीं ढूंढा। वॉल्टर लॉरेंस को बता देता है कि हम दोनों डिवोर्स लेने वाले थे। लॉरेंस ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई उसी तरीके से मार्टी की वाइफ की भी डेथ हुई थी, क्या तुम उसे जानते हो? इसके बाद रात में वॉल्टर एली के साथ था तभी लॉरेंस उसे मिलने के लिए आ गया। वॉल्टर डर जाता है और घर में एली को छुपा देता है। लॉरेंस ने यहाँ पर वॉल्टर के ड्रिंक्स के दो ग्लास नोटिस किया। उसे पता था यहाँ पर वो किसी के साथ है तो सारे घर को देखने लग जाता है। वॉल्टर जहाँ पर काम करता है ये भी उसने देखा। उसे एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें मार्टी की वाइफ की डेथ के बारे में लिखा हुआ था। वो वॉल्टर पर गुस्सा हो जाता है, कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मार्टी के बारे में नहीं जानते। वॉल्टर कहता है कि मैं राइटर हूँ, मुझे इस तरीके से न्यूज़पेपर कटिंग्स निकालनी पड़ती है, मैं इसके बारे में भूल गया था।
वॉल्टर को लगता है कि अब वो ट्रबल में है, तो एली और अपने फ्रेंड के साथ ये सब चीज़ें वो डिस्कस कर रहा था। फ्रेंड ने कहा कि तुम एक लॉयर को हायर कर लो, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। वॉल्टर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे लॉयर की ज़रूरत नहीं। एली को भी इस केस के बारे में जब सब कुछ पता चला तो वॉल्टर पर गुस्सा हो गई थी, वहाँ से चली जाती है। वॉल्टर का फ्रेंड उसे कहता है कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो, इस केस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनकी फर्म की इज्जत जा सकती है। लॉरेंस पर भी इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, उसका सुपीरियर उसे इस केस को जाने देने के लिए कहता है, पर जब तक वो इसे सॉल्व ना कर ले तब तक वो उसे जाने नहीं दे सकता। अब लॉरेंस एली से भी पूछताछ करने के लिए आया हुआ था, पर एली उसे कुछ भी बात नहीं करती। वो फिर वॉल्टर को अपने साथ लेता है और मार्टी के पास आता है। वॉल्टर और मार्टी को उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो कहता है तुम दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर है। उसने मार्टी से कहा वॉल्टर तुम्हारी वाइफ की डेथ में बहुत ही इंटरेस्टेड था। लॉरेंस ने कहा कि मुझे लगता है कि वॉल्टर तुम्हारी वाइफ की डेथ के बाद उसे इंस्पायर्ड हुआ। तुमने जिस तरीके से अपनी वाइफ को मार डाला उसी तरीके से वॉल्टर ने भी क्लारा को मार डाला। मार्टी गुस्सा हो गया और इन्हें जाने के लिए कहता है। लॉरेंस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस वजह से एली भी वॉल्टर पर शक करने लग गई थी। इसी बात पर एक रात वॉल्टर और एली में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। रात में वॉल्टर मार्टी से मिलने के लिए आया। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने वाइफ का मर्डर किया था, पर मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मार्टी ने उसे वार्निंग दी, कहा कि मुझसे दूर रहा करो, तुम्हारी वजह से डिटेक्टिव मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब वॉल्टर यहाँ से निकला तो लॉरेंस उसे देख रहा था। उसका शक सही निकला, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो मार्टी के पास आता है और उसे बहुत मारता है। ये देखकर टोनी डर गया था, डिटेक्टिव उसे भी मार सकता है, तो इस वजह से डर कर अब वो मार्टी के लिए कवर अप नहीं करेगा। वो उस रात जो भी सच सच हुआ था ये सारी बातें डिटेक्टिव को बता देने वाला है। अब मार्टी के पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, उसके पास बहुत ही कम पैसे थे और यहाँ से भाग जाना था। वॉल्टर रिच है तो उससे मिलने के लिए आता है। मार्टी कहता है तुम्हारी वाइफ की डेथ होने से पहले तुम मेरे पास बुक लेने के लिए आए हुए थे, ये हम दोनों को कनेक्ट कर सकता है, इसका प्रूफ मेरे पास है। ये चीज मैं डिटेक्टिव को नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। वॉल्टर इससे थोड़ा सा भी नहीं डरता और उसे वो पैसे नहीं देगा। वॉल्टर डायरेक्टली फिर लॉरेंस से मिलने के लिए आया। मार्टी ने उसे अभी अभी जो ऑफर दी इसके बारे में उसे वो बता देता है। लॉरेंस ने कहा कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ कहा है, अब वो उसे हेल्प नहीं करने वाला था। आज पुलिस स्टेशन में टोनी भी आया हुआ था। उस रात मूवी देखते वक्त मार्टी थोड़े टाइम के लिए गायब हो गया था, इसके बारे में वो लॉरेंस को बता देता है। लॉरेंस फिर डायरेक्टली मार्टी के पास आया, कहता है अब सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें अब कोई भी बचा नहीं सकता। मार्टी सारी चीजों की वजह से बहुत ही गुस्सा हो गया था। रात में वो वॉल्टर का पीछा करता है। वो वॉल्टर को नीचे के अंडरग्राउंड टनल में बुलाता है। इन दोनों का पीछा करते हुए लॉरेंस भी वहां पर पहुंच गया था। मार्टी एक जगह पर छुप गया और वो वॉल्टर पर हमला कर देता है, पर एक्चुअल में लॉरेंस था। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि मैंने ही अपनी वाइफ को मारा था। उसने बाद में देखा कि जिसको उसने मारा ये डायरेक्टली लॉरेंस है। वॉल्टर ये देखकर डर जाता है। मार्टी अब उसे मारने वाला था, पर लॉरेंस के पीछे पीछे उसका बैकअप भी है। इन वक्त पर आकर मार्टी पर गोली चलाकर वो वॉल्टर को बचा लेते हैं। वॉल्टर थोड़ा सा इंजर्ड है पर वो अब भी जिंदा है। वहां पर पड़े पड़े हम उसके फेस पर स्माइल देखते हैं। अब पुलिस को लगेगा कि क्लारा का मर्डर भी मार्टी ने ही किया था। लॉरेंस इन सब चीजों को फिगर आउट कर सकता था, पर उसकी भी डेथ हो चुकी है। वॉल्टर की स्माइल हमें सस्पेंस में छोड़कर जाती है, क्योंकि शायद उसने क्लारा का मर्डर किया था, उसने उसका होटल तक पीछा किया था। वो मार्टी की वाइफ की डेथ से अपसेस था, तो उसी तरीके से उसने क्लारा को भी मार दिया। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।